के ऊपर इसका उस खिलाड़ी के इच्छुक कितने कितना ज़्यादा इच्छुक है वो आगे खेलने के लिए, और फिर उसको अगर हम लोग सही प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो मुझे विश्वास है कि वो स्टूडेंट भी आगे जाकर अच्छा करेगा। तो मुझे लगता है खेल की प्रतिभा जो है उससे एक परिवार का या खिलाड़ी का इकोनॉमिक कंडीशन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो निर्भर करता है आपके अंदर आप में कितनी इच्छा है, आप में कितना वो परिश्रम करने की क्षमता है, वो डिसाइड करता है कि आप कितना आगे जाकर खेल सकते हैं। सर बिहार में टैलेंट है लेकिन कहीं ना कहीं जो बिहार का जो कल्चर है कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स है उसको करियर ओरिएंटेड नहीं मानते, उनका कहना है कि आप खेलिए लेकिन वो एक उम्र तक, लेकिन जब करियर की बात आती है तो कहीं ना कहीं बिहार के जो पेरेंट्स है उनको पीछे कर देते हैं। इसलिए कारण है कि बिहार में जो भी खिलाड़ी है जिस हद तक आगे निकलना चाहिए और जितना टैलेंट है बिहार में वो नेशनल लेवल तक नहीं आ रहा है। पर ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये पूरे भारत में ऐसा होता है कि हर एक पेरेंट यही चाहता है कि कम से कम वो जो बच्चा है वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे। और मुझे लगता है अब समय बदल रहा है, अब अन्य प्रदेशों में जिस तरह से कई सारे होनहार खिलाड़ी निकल रहे हैं उनको ना ही केवल पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है पर स्कूल का भी सपोर्ट मिलता है और संस्थाओं का भी सपोर्ट मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर उस तरह का वातावरण हम लोग बनाएंगे तो फिर पेरेंट्स को भी लगने लगेगा कि यहाँ से अगर बच्चा अच्छा खेल रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल सकता है। इसी वजह से इस तरह का काम जिस तरह की शुरुआत हम लोगों ने सोची है करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। नहीं अब देखिए कोशिश तो है कम से कम ये जो अल्फा स्पोर्ट्स अकेडमी आप देख रहे हैं उसमें सुविधाएं दी जाएंगी बच्चों को ताकि और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर हम ठीक प्रकार से पाथवे पेरेंट्स को दिखाएंगे उनके बच्चों के बारे में तो मुझे विश्वास है कि पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिलेगा ज़रूर। तो सर आप उसे खुद मॉनिटर करेंगे या फिर? जी 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 ज़रूर 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 यही तो मेरा काम है। ओके सर थैंक यू।